राधिका ने दिव्यम और काया को स्टूडियो के अंदर पकड़ी रंगे हाथ। लेकिन अब राधिका काया और दिव्यम को एक साथ देखकर इतना रो रही है कि उसको देखने वाला कोई नहीं है। अब राधिका का साथ कोई और नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ देने वाले हैं, जिससे काया चाह कर भी दिव्यम को भी हासिल नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर का अगला ट्रैक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि राधिका दिव्यम को घर से ढूंढते दौड़ते स्टूडियो पहुँच जाती है, जहाँ पर दिव्यम ने काया को अपने बाहों में भर कर रखे होते। इसके बाद राधिका काया के संग दिव्यम को देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है, और इसके बाद राधिका को काया के ऊपर अब पूरी तरह से शक हो जाता है कि काया के मन में दिव्यम जी के लिए कुछ और ही चल रहा है। अब वही राधिका अब आगे आने वाला एपिसोड में काया के ऊपर अब अपनी पूरी नजर रखने वाली है, जिससे काया इस प्रचार शो के दौरान काया दिव्यम जी को चाह कर भी हासिल ना कर पाए। मगर आप इस बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।